अररिया जिला के सदर अस्पताल में कैंसर दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कैंसर की जानकारी एक अनुभवी डॉक्टर दिए, वहीं इसका बचाव की भी जानकारी दी गई। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैंप लगाकर 7 से 14 नवंबर तक जांच शिविर लगाया जा रहा है, जहां पर हर तरह की जांच निःशुल्क होता है और कैंसर के बचाव के लिए भी बताया जाता है। बताते चले कि कैंसर बीमारी समय रहते हुए सही जाँच हो जाने पर मरीज बच सकता है, इसके लिए जांच आकर सदर अस्पताल में जांच शिविर में जरूर करवाएं, क्योंकि लक्षण बहुत कम ही लोगों को मालूम होता है। अगर लक्षण मालूम हो जाने पर सही इलाज सही समय पर हो जाता है, तो इसके लिए तमाम जिला वासियों से कहना चाहता हूं कि आप 7 से लेकर 14 नवंबर तक सदर अस्पताल में जाकर जाँच जरूर करवाएं। वही डॉक्टर ने कहा कि तंबाकू गुटखा सिगरेट से कैंसर होता है, इसलिए बचाव करें ताकि आप भयंकर बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शायना है, मैं अभी सदर अस्पताल अररिया में एज ए डीपीओ वर्क कर रही हूँ, और मैं होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर से की तरफ से इधर कार्य कर रही हूँ यहाँ पे सदर अस्पताल अररिया में। तो अभी जो ये मैडम एक चीज थोड़ा सा जानकारी मुझे चाहिए कि कैंसर जो होता है आखिर किस वजह से होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए और इसका बचाव क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोग जो है बेसिकली 3 तरह के कैंसर पे फोकस करते हैं, जो कि है पहला है मुंह का कैंसर, और दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर जिसको हम लोग छाती का कैंसर भी बोलते हैं, और तीसरा है सर्वाइकल कैंसर जिसको हम लोग गर्भाशय के मुंह का कैंसर बोलते हैं। तो जो मुंह का कैंसर है ये आमतौर पर सब लोग इस चीज़ से अवगत है कि ये जो है तम्बाकू का सेवन करने से, जो ज़्यादा तम्बाकू का सेवन करते हैं या गुटखा किसी फॉर्म में अगर टबैको को लेते हैं तो उससे ये कैंसर होता है। तो ये अपने बिहार में ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन कैंसर है, तो हम लोग मुख्यतः इस पर ही फोकस करते हैं। और छाती का कैंसर महिलाओं में होता है जो कि 30 वर्ष से ऊपर की महिलाएं होती हैं, जो पहले स्टार्ट होता है गांठ के फॉर्म में वो स्टार्ट होता है। तो ये बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है आपके शरीर में। और गर्भाशय के मुंह का कैंसर जो होता है ये आपका मतलब एक पैपिलोमा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसको बोलते हैं, इसके थ्रू ये कैंसर होता है। सबसे पहले इसका एक और कारण ये भी है कि यहाँ की महिलाएं काफ़ी अनहाइजीनिक होती हैं, जिसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाइजीन की वजह से भी ये कैंसर हो सकता है आपके शरीर में। तो ये सब इसके लक्षण हैं। और भी लक्षण है, लक्षण कुछ और भी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। किस कैंसर की बात कर रहे हैं आप? इससे मान लीजिए कि साधारण में कुछ ऐसे मतलब छोटा सा घाव हुआ, उसको ऐसे मतलब ठीक से दिखे नहीं हुआ, क्या उससे भी हो सकता है? जैसे कि आपके मुंह में जब कैंसर स्टार्ट होने से पहले आपके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। क्या लक्षण? जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, लक्षण जो होते हैं ये उजले कलर व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं, धब्बे के आकार में होते हैं, जिसको आप स्क्रैप नहीं कर सकते, वो नॉन स्क्रैपेबल होते हैं। तो आपको उस टाइम पे ही ये समझना है कि ये धब्बे जो है कैंसर के लक्षण की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। तो हम लोग उस पर फोकस करते हैं, जो तंबाकू वगैरह खाते हैं उनको हम लोग वहाँ पे बताते हैं कि आपके मुंह में ये उजला धब्बा हो रहा है जिस जो आपको कैंसर की ओर लेकर के जाएगा, अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये ठीक भी हो सकता है। अच्छा मैडम, आप तो मतलब कि तंबाकू खाने वाले का कुछ ऐसा होता है कि बिना तंबाकू खाए हुए या कोई ऐसा उसको भी हो जाता है? बिना तंबाकू वाले केस में ऐसा होता है कि जब भी आपको कोई चोट लगता है, जैसे कि आप गिर जाते हो आगे, तो वो जो वहाँ पे जो आपको चोट लगती है उसको आप अगर नज़रअंदाज करते हो तो वो भी आगे चल के आपको कैंसर के रूप में बदल सकता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय कि कैंसर से बचाव के लिए उपाय क्या है? बिल्कुल मैडम आपको बताएंगे इससे बचाव के। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से काम कर रहे हैं। मैडम आप थोड़ा सा ये जानकारी दीजिए कि इसे कैंसर तो होता है और उसका बचाव का क्या उपाय है, इसके बारे में थोड़ा सा सही जानकारी दीजिए। कैंसर देखिए मुख्य रूप से शरीर में जब हमारी कोशिकाएं ना अनियमित तरीके से अचानक से वृद्धि करने लगती है, म्यूटेशन होने लगता है, ठीक है, बहुत सारे उसके कारण होते हैं। जैसे कुछ लोग, जैसे अभी मैडम ने बताया, तंबाकू का सेवन करते हैं, या फिर कुछ महिलाएं जो हैं मतलब साफ़ सफाई नहीं रखती हैं अपने हिस्सों में, या फिर किसी को भी छाती में जो गांठ हो गया वहाँ पे उन्होंने उस समय तुरंत ध्यान नहीं कराया। तो मुख्य रूप से हमारा क्या काम है, हम स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि स्वस्थ जो हमारा जनसंख्या है पॉपुलेशन है उसमें से हम उनको पकड़ें केसेस को, है ना, कि उस बीच में जितने लोग आते हैं स्क्रीनिंग के दौरान तो उसमें वो केसेस पकड़े जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुख्य रूप से स्क्रीनिंग करवाना आप समय से, तो इसलिए आपको अभी बताया जा रहा है इसमें कि कैंसर लाइलाज नहीं है। अगर आपने शुरुआती दौर में ही स्क्रीनिंग करवा ली
तो आपको उसका मतलब इलाज बहुत आसान संभव है, संभव है। हम मतलब उसके लिए आगे हमारा जो हायर सेंटर है वहाँ रेफर करते हैं, और यहाँ पे हम जिस स्तर पे काम कर पाते हैं तो हम वहाँ टुकड़े की जांच करते हैं जिसको बायोप्सी जाना जाता है, ठीक है, बायोप्सी के नाम से ही किया जाता है। अभी कुछ केसेस हमने यहाँ किए भी हैं मैडम के साथ मिलकर, जिसमें मतलब हमने मतलब डिटेक्ट किया है कि उन्हें कैंसर है, आगे फिर हमें अपने हायर सेंटर पे उनको रेफर करते हैं। मुख्य रूप से है कि हम शुरुआती दौर पे उनको पकड़ लें जो भी केसेस हैं, ताकि वो बढ़े ना, क्योंकि आपको पता है एक मेटास्टासिस करके वर्ड होता है जो शरीर में, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कैंसर पूरे शरीर में फैलने लगता है, तो फिर उसका इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शुरुआती दौर में अगर पकड़ा जाए तो आप कैंसर को, कैंसर का इलाज संभव है। अच्छा, शुरुआत में मान लीजिए इसका शॉर्टकट में क्या उपाय है कि इससे हम बच सकते हैं? क्या सबसे मतलब हमारा जो नियमित रोज का जो शैली है, जीवन शैली, इसमें हमें ध्यान देना होता है। और आजकल हर तरीके का कैंसर है, जैसे रेडिएशन कैंसर भी हो रहा है तंबाकू के अलावा जो बता रहे हैं, या शरीर में कोई भी हमें घाव हुआ या जो मतलब जल्दी से जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम उस सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम लोग तुरंत उस चीज़ पे एक्शन लें और थोड़ा हम मतलब अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाएं, है ना, आजकल स्किन कैंसर भी हो जा रहा है क्योंकि रेडिएशन की वजह से, उसमें भी हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, हर तरीके का मतलब वो संभव है। जैसे ही हम अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखेंगे तो हम आगे मतलब इसे फैलने से रोक पाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण है अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना। तो मैडम इसका कोई मेडिसिन भी निकला है क्या? मेडिसिन देखिए, मेडिसिन से कैंसर ठीक नहीं होता। यहाँ के मरीजों को ऐसा लगता है कि हम मेडिसिन खाएंगे और ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से है कि हमें उस हिस्से को हटाना पड़ता है, या मतलब जो अगर फैलने वाला नहीं है तो वो थोड़े से जगह का हम सर्जरी करवा देते हैं, या शुरुआती दौर में थोड़ी मतलब दवाइयाँ चलती हैं, पर ये नहीं है कि दवाई से कैंसर आपका ठीक हो जाएगा, है ना, मेडिसिन से। आप यहाँ के सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। अरेरिया जिला वासियों को क्या संदेश देंगे इसके बारे में? वो और मुख्य रूप से हमारा काम है कि हम यहाँ के लोग जो हैं, थोड़ा यहाँ पे मतलब पढ़ाई लिखाई का अभाव है, तो शिक्षित शिक्षा का अभाव है, तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सके, हमारा मतलब 7 लोगों का यहाँ टीम है, हमारा यही कोशिश रहता है कि जितने लोग इसके बारे में जान सकें। बहुत सारे लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं कि कैंसर है क्या, उनको पता ही नहीं है कि कैंसर इतना खतरनाक भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, नॉर्मल बीमारियों की तरह ही समझते हैं। आप अपने मीडिया के द्वारा आप आम जनों को पहुंचाना सकते चाहते हैं कि आप अगर जानकारी नहीं है आप दूसरे को जानकारी दीजिए, आपने जानकारी अगर है तो आप आइए आकर के जांच करवाइए। और सदर अस्पताल के रूम नंबर 8 में हमारी टीम बैठती है, तो कृपया आकर के जल्द से जल्द अपनी स्क्रीनिंग कराएं और कैंसर से बचें। आगे मैम आपको बताएंगे। और हाँ मैडम, इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी अररिया के वासी हैं उनको एक बात ये बताना चाहूंगी कि अभी जो 7 से 14 तारीख के बीच का ये जो टाइम चल रहा है, वीक चल रहा है, इसको हम लोग अब देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के तौर पे हम लोग मना रहे हैं। इसमें ये बताना है कि समय पर पहचान एवं उपचार से जान बच सकती है। जी। तो जितने भी लोग हैं, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, उनको कोई भी लक्षण अगर दिखाई दे रहा है आपके मुंह में, तो आप जल्द से जल्द हमारे पास आके निःशुल्क जांच करवा के यहाँ से जाइए, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी उसको पहचान करेंगे आपका उतना जल्दी इलाज होगा और आप उतना जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। कैंसर लाइलाज नहीं है, उसका इलाज पॉसिबल है। तो आप लोग यहाँ आए रूम नंबर 8 में, जैसा मैंने बताया कि हम लोग सदर अस्पताल अररिया के कैंपस में रूम नंबर 8 में बैठते हैं, तो यहाँ पे आके आप लोग अपना जाँच जरूर करवाइए। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर शाइना है। मैं होमी बाबा कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की तरफ से एडवोकेट के पोस्ट पे सदर अस्पताल अररिया में कार्यरत हूँ। मैडम एक बार आप से मेरा नाम डॉक्टर मैत्री है और मैं होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से सदर अस्पताल अररिया में पोस्ट हूँ।